आपको एक वेस्ट बॉक्स से मोज़ेक कॉर्नर टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये फ्रीज़र का बॉक्स था, तो मैंने फ्रीज़र चेंज कराया तो ये बॉक्स फालतू पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इससे एक टेबल बनाती हूँ। तो अगर आपके पास इस टाइप का बॉक्स नहीं हो तो मैं आपको बताती हूँ कि कार्डबोर्ड का बेस कैसे बनाएं। तो कार्डबोर्ड का बेस बनाने के लिए इस टाइप का हमें कार्टन चाहिए और उसको हम न्यूज़पेपर से या किसी भी पुराने कपड़ों से उसको फिल कर देंगे, उसको टेप से अच्छे से रैप कर देंगे। उसके बाद चाहे आप स्टिकर से उसको कवर कर दें या फिर आप पेंट करना चाहें तो पेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कार्डबोर्ड से भी उसका नीचे का बेस बना सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम कोई भी बॉक्स लेते हैं उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ गैप्स थे तो मैंने पेपर टेप से उसको कवर किया है। जैसे यहाँ पर एक गैप था तो मैंने कार्डबोर्ड और पेपर टेप से उसको कवर किया है, क्योंकि अगर हम उसमें फिर या तो पेंट करेंगे या कुछ इसको कवर करेंगे तो उसमें गैप होगा तो वो जल्दी फट जाएगा वहाँ से। तो मैं इस बेस को कवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा वुडन लुक चाहिए था, तो मैंने वुडन लुक वाला ये स्टिकर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत ही सस्ता आता है, ये 200 के अंदर ही आ गया है। तो मैं इसको इस कवर को स्टिकर से कवर करती हूँ। तो देखिए अभी मैंने वॉलपेपर पूरा उस पर लगा लिया है स्टिकर ये, और इसमें थोड़ा एक लोग की हेल्प और लगती है, दो लोग मिलके लगाएंगे तो ज़्यादा ये रिंकल्स नहीं आएंगे। और ये पूरा मैंने कंप्लीट इसको चिपका लिया है। अब मैं इसका टॉप बनाऊंगी। टॉप बनाने के लिए मुझे इस तरीके का कार्डबोर्ड चाहिए। तो कार्डबोर्ड में मैं इसका जो साइज़, ये नीचे का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है, तो मैं इसके साइज़ का कार्डबोर्ड काटूंगी। और इसके टॉप का मैं कार्डबोर्ड का साइज़ लूँगी, और ये 2 सेंटीमीटर्स बाहर की तरफ से भी मैं ओवल शेप दे रही हूँ, तो कार्डबोर्ड को उसी साइज़ में काटूँगी। तो मैंने ये टेबल के साइज़ का ये ड्रॉ कर लिया है, और मैं इसे 2 सेंटीमीटर बाहर भी साइज़ लेने वाली हूँ। इसका शेप ओवल है तो मैं ओवल में ले रही हूँ। अगर आप कार्डबोर्ड का बना रहे हैं और स्क्वायर का है तो आप उसके साइज़ का अकॉर्डिंग, आपको सर्कल में करना है तो सर्कल में कटिंग करिए, ओवल में करना है तो ओवल में कटिंग करेंगे। 2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ भी नाप लेके उसकी कटिंग करूँगी, और इसको डबल करूँगी क्योंकि इसको उसका टॉप मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं इसको डबल कार्डबोर्ड करके मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने ये इसका टॉप काट लिया है, और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसको डबल कर दूँगी। इसका सेम साइज़ का एक और पीस काटती हूँ और उसको फेविकॉल से चिपका लूँगी। तो अभी मैंने दोनों कार्डबोर्ड को स्टिक कर लिया है, और इनके एजेस को स्मूथ बनाने के लिए मैं पेपर टेप से ये पूरा रैप कर दूँगी। तो ये मैंने उसके एजेस पे टेप लगा लिया है और ये स्मूथ हो गया है। और मैं इस पर रख के देख लेती हूँ कि इसका साइज़ ठीक है। मैं अभी इस पर स्टिक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस पर मोज़ेक वर्क करना है। मैंने वाइट सीमेंट लिया है और उसमें मैंने ग्लू मिक्स किया है। उसके बाद मेरे को थोड़ा वाइट कलर देना है, तो उसमें मैं एक्रेलिक का वाइट कलर मिक्स करूँगी। अब 5-6 ड्रॉप्स वाइट कलर का मिक्स करेंगे तो बहुत सुंदर लुक आएगा उसका। अब ये देखिए एकदम वाइट हो गया, इसको एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। उसके बाद ये मैंने वेस्ट सीरीज लिए हैं, उसके पीसेस काट लिए हैं, और मैं आपको इसके पीसेस इजीली काटने के भी टेक्निक बताऊंगी। तो जब हमें इसके पीसेस काटने हैं तो उसके 5 मिनट बिफोर हमें हॉट वाटर में सीरीज को डिप करके रखना पड़ेगा। और उसकी दूसरी टेक्निक ये है इजीली सीरीज काटने के लिए, कि काटने से पहले हमें 15 मिनट पहले फ्रीज़र में रखेंगे तो वो ईजिली कट जाएगी। तो मैंने भी उसी टेक्निक से काट के रख लिया है। इसमें हम स्मूथली लगाएंगे, बिल्कुल बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लोहे की पत्ती आती है मार्केट से, तो वो यूज़ की है, और इसको एकदम स्मूथली लगाएंगे, बिल्कुल ऊँचा नीचा नहीं होना चाहिए। और हम तुरंत ही ये जो मैंने सीरीज मैंने ट्रायंगल में काटी, आप जैसी शेप आपको अच्छी लगती है उसमें काट सकते हैं। तो हम उसको स्टिक भी करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने वो वाइट सीमेंट लगाया है, और मैं ऐसे रेंडमली सीढ़ी किसी भी पैटर्न में लगा रही हूँ। तो ये ऐसे इसका टॉप पे मैंने पूरी सीरीज लगा ली। आपके पास मिरर हो तो मिरर्स लगा सकते हैं, ये टाइल्स ही हो तो टाइल्स भी लगा सकते हैं। मेरे पास वेस्ट सीडीज पड़ी थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है,
और अब इसको हम 24 आवर्स या फिर ओवरनाइट के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ड्राई होने के लिए रख देंगे हम इसको, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ ये इसका फाइनल लुक कैसा लगेगा। मैंने ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। और अब इसको सैंड पेपर से मैं तो सीडीज के ऊपर सीमेंट आ गया है उसको एकदम स्मूथ कर लूँगी। ये भाई क्लीन कर लिया मैंने बहुत अच्छे से सीमेंट इसका, और क्लीन करने के बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको इसके बेस से अटैच कर लिया है। और ये मैंने एक फ्लावर वास बनाया है सेम वही प्रोसेस से, क्योंकि स्टिकर का जो इसका स्टिकर बचा था और उसका ये रोल आया था, तो मैंने उसको बचे हुए स्टिकर को इसमें लगाया है और सेम वही मोज़ेक जो प्रोसेस मैंने टेबल में किया था उसी में किया है। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मैं इसमें फ्लावर्स लगा के आपको दिखाऊंगी। और ये एक क्ले पॉट था मेरे पास, तो वैसे भी करवा चौथ आ रही है तो मुझे डेकोरेट करना था, तो मैंने इसी को डेकोरेट कर दिया। और ये हम कैंडल स्टैंड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, चमकता भी है। तो ये देखिए कॉर्नर टेबल तैयार हो गई है और बनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और एक तरह से ये एक मेडिटेशन कॉर्नर बन गया है, यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, इस टेबल को आप कॉफ़ी टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्लावर पॉट भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मैंने अच्छे से स्टैंड हो जाए इसके लिए इसमें स्टोन्स डाल दिए, तो वो अच्छे से स्टैंड हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको टेबल कैसी लगी, और आपको और भी डेकोरेशन आइटम बनाना सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ बेल का आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको मेरे फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।